नमस्कार, संजय सर मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हाई कोर्ट ऑफ जूडिकेचर एट इलाहाबाद असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एग्जामिनेशन नोटिस 2018। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है। ये अंडर द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट द 277 वैकेंसीज जो हैं 277 वैकेंसी निकली थी 15/12/2018 को, उसी के रिगार्ड में ये नोटिफिकेशन है जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं कंप्लीट वीडियो देखिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया है, द वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट ऑफ द फाइनली सेलेक्टेड 277 कैंडिडेट्स ऑफ द ARO एग्जामिनेशन 2018 विल बी कैरिड आउट एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल। यहाँ पे अलग अलग शेड्यूल दिया गया है कौन से रोल नंबर्स के बीच में कब आपको जाना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आपको पहला है 27 मई को, फिर 28, 29, 30, ये चार डेट्स में अलग अलग डेट्स में है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, पहला है सीरियल नंबर 1 to 70, ये 70 बच्चों का होगा जो कि रोल नंबर उनका दिया है 365 लास्ट में, फिर 1017 तक की 70 कैंडिडेट हैं। अगले सेकंड इसमें यहाँ पे भी 71 से 140 सीरियल नंबर है और रोल नंबर यहाँ पे दिया है वो भी आप देख सकते हैं, इसमें भी 70 कैंडिडेट्स का है। इनके बीच में जिनका रोल नंबर है चेक कर लें, उनका 28/5/2019 को है। और थर्ड नंबर है सीरियल नंबर 141 to 210, इसमें भी 70 कैंडिडेट्स जाएंगी जो कि रोल नंबर यहाँ पे दिया गया है 375 से 246, इसके बीच में रोल नंबर जिनका रहेगा उनका 29/5/2019 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद चौथे नंबर पे है सीरियल नंबर 211 से लेके 277 तक, इसमें 67 कैंडिडेट्स हैं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 30 मई को बुलाए जाएंगे। आपको 9:30 पर इलाहाबाद हाई कोर्ट इलाहाबाद में रिपोर्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एड्रेस कहाँ रिपोर्ट करना है। द कैंडिडेट्स विल रिपोर्ट इन द चैम्बर ऑफ द डिप्टी रजिस्ट्रार इस्टेब्लिश सिचुएटेड ऑन द सेकेंड फ्लोर ऑफ द मेडिटेशन एंड कॉन्सिलिएशन बिल्डिंग न्यू एक्सटेंशन बिल्डिंग हाई कोर्ट इलाहाबाद। इलाहाबाद में आपको रिपोर्ट करना है एंड दे आर डायरेक्टेड टू बी प्रेजेंट विद फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद वन सेट ऑफ द सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। एक सभी डॉक्यूमेंट्स की एक फोटोकॉपी आपको सेल्फ अटेस्ट करके ले जाना है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ में ले जाना है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है वो यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है हाई स्कूल की मार्कशीट आपको ले जाना है और सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री ले जाना है। और चौथे नंबर पर PG अगर आपने किया है तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट, मतलब मार्कशीट और डिग्री ले जाना है, ठीक है। और आगे है कि पाँच नंबर पे अगर डिप्लोमा या CCC से नीलेट जो भी आपने किया है, डिप्लोमा या डिग्री नीलेट या डोएक सोसाइटी से, वो आपको ले जाना है। छः नंबर पे है डोमिसाइल सर्टिफिकेट UP का है वो ले जाना है। सात नंबर देख सकते हैं यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको कास्ट की ज़रूरत पड़ेगी। OBC SC ST कैंडिडेट्स हैं तो ज़रूर ले जाएं। और नंबर आठ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप कहीं स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी कर रहे हैं तो आपको NOC ले जाना है। और नौ नंबर, दस नंबर पे सर्टिफिकेट इन फेवर ऑफ स्पोर्ट पर्सन, अगर आप स्पोर्ट पर्सन हैं तो उसका सर्टिफिकेट ले जाएं। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन फेवर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, यदि कोई कैंडिडेट डिसेबल है तो उसे सर्टिफिकेट ले जाना अनिवार्य है। आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, कुछ भी आप आइडेंटिटी कार्ड के रूप में ले जा सकते हैं।
ये ऑफिशियल वेबसाइट से हमने नोट किया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट.in से। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।